वेल गाइस, तो कैसे आप सभी। तो गाइस, ग्रैंड मास्टर रैंक पोस्टिंग एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस, इस एपिसोड के अंदर आप सभी के लिए काफी खतरनाक सोलो फाइट लाए हैं। आप तो पता ही होगा कि न्यू रैंक सीजन है सीजन 35, तो सब बंदे रैंक पोस्टिंग करने में लगे हैं और इसी चक्कर में काफी हार्ड लॉबी आ रही है इस टाइम। तो इसी में से वन ऑफ द बेस्ट फाइट मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। तो गाइस, आप सभी पहले मैं रैंक स्कोर देख सकते हो, 7633 रैंक स्कोर हो चुका है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 457 ऑल इंडिया रैंक हो चुका है। तो आप सभी को अपने किल पे दिखा देता हूँ, किल पे सोलो के अंदर कितने पोजीशन पे चल रहा हूँ। तो मैं 39 पे चल रहा हूँ और मेरा 1153 किल हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा किल हो चुका है। मुझे लगा है मेरा सीजन एंडिंग होने में 10 किल तो ईजिली हो जाएगा। अब आप सभी को सोलो विंस में दिखा देता हूँ। तो मैं 67 पोजीशन में चल रहा हूँ 53 के भैया के साथ। तो हम लोग को टॉप 5 के अंदर इस सीजन लगाना है। तो आप सभी का सपोर्ट ऐसा बना रहेगा तो हम लोग इजीली लगा देंगे। तो गाइस, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं लर्निंग किया था मिल के साथ, क्योंकि मिल पे शायद काफ़ी कम बंदे प्लेन के अंदर बचे थे। तो मैंने सोचा कि मेरा मिल थोड़ा उतरा जाए और ऐसा इधर एक बंदा उतरा था। इस बंदे की पोजिशन मेरे को पता नहीं थी, क्योंकि पता यूएवी में दिखा नहीं रहा था। जब मैं लूट कर रहा था तो मेरे को फुस्टे पाया था। देखते कहाँ बंदा है, ये रहा दिखा भी, लगा डैमेज, बहुत डैमेज है। ब्रश करते हैं, मेरे पास शॉर्ट रेंज की गन भी नहीं है, बंदा मेरे को मार भी सकता है। चलो, बंदे को हेड लगा, बंदे का सोनिया एक्टिव है, बंदे का काम खत्म। तो लिटरली काफ़ी बंदे को अच्छा खासा हेड लगा है। तो गाइस, मैं इस वीडियो को आप सभी को बताने वाला हूँ कि जैसे कि आर लॉबी आती है तो आप सभी को कैसा रोटेशन लेना है, कहाँ होल्ड करना है, कब जोन में निकलना है। तो आप सभी को ये मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब मिल पे लूट करते हैं इस बंदे को, देखते हैं क्या पता है बंदा इधर आता है कि नहीं। ऐसे कम चांस है क्योंकि न्यू रैंक सीजन आया है, तो बंदे सब रैंक पुश करने में लगे होंगे, तो काफ़ी कम बंदे आएंगे। तो मैं जस्ट मिल के नीचे ही बैठा था लिटरली इधर, और बैठ के पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मतलब रैंक पुश मार रहा था, पर मेरा इस पर पूरा ध्यान नहीं था इस गेम प्ले के अंदर। और लिटरली एक बंदा आ जाता है, मेरे को पता नहीं था इतना तेज में, मतलब वॉल्यूम फुल था कि मेरे को पता चल गया तुरंत ही बंदा आ गया। और बंदे के पास लिटरली ट्रोगन था, तो बंदे को मैंने इजीली मार दिया। ट्रोगन था और मेरे पास 2 शॉटगन था, तो पता नहीं कैसे मर गया बंदा। तो इधर मेरा माइनस होते होते बचा, क्योंकि अभी भी 30 बंदे बचे हैं, तो मेरा लिटरली माइनस हो भी जाता, मैं मर जाता। तो इधर थोड़ा सर्वाइव मारेंगे और जोन में पीछे से आ रहा है, तो देखेंगे कोई घर वर दिखेगा तो रोटेशन मार के निकलेंगे घर के अंदर। क्योंकि इस समय जोन के जितना कॉर्नर में रहेगा ना इतना फायदा रहेगा, जितना मिडिल में जाओगे तो मरने का काफ़ी चांस बन जाता है। थोड़ी देर रहते हैं, पर होल मारते हैं थोड़ा सा, इस घर के ऊपर चलते हैं। भाई, घर के ऊपर बंदा है, मतलब जितना कॉर्नर में काफ़ी बंदे आप सभी को मिलने वाले हैं जब आप सभी न्यू रैंक सीजन में मतलब आता है तो रैंक पुश करते हैं। तो कैसे आप सभी ने सोचा था टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लाऊं, मैं लाने वाला हूं, बस आप सभी थोड़ा वेट करना। पहले रिपेयर किट मार के कहाँ से निकले हैं हम लोग, यही मैं सोच रहा था, सोचा कि क्यों ना थोड़ा आगे चल जाया जाए, तो जाकर थोड़ा होल्ड लगाते हैं। पहले आगे जाके बंदे का ध्यान मतलब कहीं और कर देते हैं ना, इस बंदे को लगेगा कि इसके पास मैं आ चुका हूँ, तो फिर पीछे से रोटेट करके इजीली निकल जाऊँगा। तो आप सभी को बस यही केयर करना है ना कि जितने बंदे दिखें आप सभी को उन लोग से फाइट अवॉइड करना है, मतलब ये बंदा आप सभी को मारने का ट्राई करेगा नहीं, क्योंकि ये बंदा ये भी रैंक पुश कर रहा होगा। अगर ये बंदा रैंक पुश नहीं कर रहा होगा तो आप सभी को रश कर के मारने के लिए पक्का बंदा आने वाला है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, इस बंदे को भी अपना रैंक का चिंता है, भाई बंदा मार नहीं रहा है, मैं फिर भी कवर टू कवर जोन के अंदर निकले जा रहा हूँ, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हो। तो पर होल मारते हैं, अब निकलते हैं पीछे की साइड, क्योंकि बंदा मारेगा नहीं ना, मेरे को पता है कि बंदा नहीं मारने वाला, क्योंकि बंदा सर्वाइव मारा, मैं पूरा ओपन में जा रहा था और ये भी मैं गलती कर रहा था, ऊपर में जा रहा था, बंदा मार भी सकता था, और बंदे ने मारा नहीं, पता नहीं क्यों। तो जोन इधर हल्का सा जोन तो है, मेरे को लग रहा है जोन इधर ही बनने वाला है। मैंने काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन किया था और जोन में काफ़ी अच्छा लर्निंग किया था मिल साइड, क्योंकि जोन मेरा साथ भी दे रहा है। तो पहले हम इस झोपड़ी के अंदर सर्वाइव मारेंगे और सर अरेक्शनर जो बॉक्स है ना लूट बॉक्स वाला, इसके अंदर सर जोन रह सकता है, मेरे पास पोर्टल भी है। तो क्योंकि आप सभी के पास टोकन एक्स्ट्रा हो 1200, तो आप सभी इजीली पोर्टल लगा के यूज करके कहीं सेफ जोन पकड़ सकते हो। मेरे पास चाबी था तो मैंने ये बॉक्स खोल के इधर लिटरली पूरा कवर ही बना लिया। मैं इधर अपना पोर्टल लगा के जोन पकड़ने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं लिटरली, आप सिर्फ फाइट देख सकते हो। और मैं टॉप 9 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है, तो आप सिर्फ पता चलेगा कि कितने भैया किल, कितने किल के साथ प्लस कितना मिलता है भैया लेते हैं। तो लिटरली मैं बाहर निकला इसलिए ना कि बंदे पोजिशन चेक करता हूँ कि बंदे कहाँ कहाँ हैं, और मेरे को पोर्टल भी लगाना था क्योंकि अंदर पोर्टल लग नहीं रहा था। लगाते हैं, देखते हैं कहाँ लगता है, पोर्टल लग भी गया और मैं यूज करके बीच में आ चुका था। इधर मैं सबसे बड़ी गलती करता हूँ, क्योंकि बीचों बीच में आ चुका था, मैं इधर सैंडविच हो सकता था, तो मैं इधर पोर्टल में लैंडमाइन लगा ले, क्या पता कोई बंदा मेरा पोर्टल यूज करके आता है तो इजीली बंदा मर भी सकता है। और मैंने अपना लैंडमाइन खुद ही फोड़ दिया, भाई तेरी होल्ड लगाते हैं।
जब काफ़ी बंदे फाइट करेंगे तो मैं काफ़ी इजीली किल दिखा सकता हूँ। ये रहा बंदा, बंदे को काफ़ी डैमेज लगा है गंदा वाला, एक लगा लिया मैंने गुरुआत। एक और बंदा आया भाई, दोनों बंदे आपस में फाइट करें, एक बंदा के काम ख़त्म, चूल्हे किल में निकाले, इसीलिए एक और बंदा इधर बैठा है। एक और बंदा आ रहा है भाई, बंदा क्या ही डैमेज था। और छः बंदे बचे हैं अभी भी, मतलब सब बंदे जोन के कॉर्नर में ही खेल रहे हैं। आप सभी देख सकते हो, कोई मिडिल नहीं जा रहा, बस एक मैं ही बीच में आके फंस चुका हूँ। बंदे अभी रस करेंगे नहीं क्योंकि थर्ड पार्टी होने का काफ़ी चांस बनने वाला है, तो जो मतलब पागल बंदा को वही रस करेगा। पहले इस बंदे को बम डाल के परेशान करते हैं। और मेरे पास बिस्टन पेट भी है ना, बिस्टन पेट, तो बम थोड़ा दूर भी जा रहा था और मैंने काफ़ी घटिया मतलब नेडिंग की वजह से बम इधर ही फूट गया। तो रुके रहते हैं थोड़ा सा, मेरे पास और बम है, दो लिटरली दो बम है मेरे पास, और तो मैं बंदे को इजीली मार भी सकता हूँ। चलो देखते हैं पहले क्या होता है, क्योंकि भाई भूया मिस होगा तो काफ़ी मतलब बेकार लगेगा, क्योंकि इतना सर्वाइव करके आ चुके हैं। ट्राई करना कि भूया ले लेगा इस तो गाइस आप सभी को मैं पहले ही बता देता हूँ, अब से मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर देना, क्योंकि अभी काफ़ी खतरनाक एपिसोड आने बाकी हैं। लिटरली आप सभी एपिसोड देख के शौक हो जाने वाले हो। बंदा आ गया भाई, एपिसोड के चक्कर में बंदा मेरे को मार सकता था, पर मैं पूरा पीछे निकल गया क्योंकि इधर काफ़ी दो बंदे थे। एक बंदे को मैं मारा था ग्रीन वॉल वाला, तो मैं इधर आके पैक करके मेडकिट मार रहा हूँ, क्योंकि पीछे से मेरे को पड़ेगा तो मैं इजीली मर भी सकता हूँ। तो एक मेडकिट लगाते हैं, चार बंदे बचे हैं अभी, दो बंदे इधर है, एक ऊपर के साथ बंदा हो सकता है, ये रहा, इसको हम रस करके मारते हैं पहले, क्योंकि दो बंदे इधर आपस में फाइट करे होंगे। बंदे का सोनिया एक्टिव है, खाली बंदा ख़त्म हो गया ये भी, चलो इसलिए बंदे को मैंने ख़त्म भी कर दिया, और लास्ट का एक ही बंदा बचा है, तो मतलब 90% चांस है कि मैं एक बंदे को मार सकता हूँ अगर मैं गलती नहीं करता हूँ तो। देखते हैं कोई गलती करते हैं भूया मिस कर देंगे इजीली, पहले थोड़ा वेट करते हैं। कहाँ गया बंदा, इधर ही बंदा है क्या खड़ा, ऐसे ही लग रहा है कि ये रहा बंदा दिखा अभी। चलो बंदे पोजिशन में पता चल गया कि नेट डालते हैं पहले, पहले आप सभी इतना ट्राई करना है ना कि नेट पूरा फेंक के बंदे को थोड़ा पैनिक कर दें, पैनिक होगा बंदा तो आप सभी इजीली मार सकते हैं इस बंदे को। चलो डैमेज लगा बंदे को, अब रस मारते हैं, डैमेज है बंदा, बहुत डैमेज है भाई, ओरियन बन गया है भाई, तुम्हारे ओरियन बन जाए कुछ जीवन। खाली बंदा ख़त्म, और हम लोगों ने 6 किल के साथ भूया ले लिया है, 5 किल के साथ सॉरी, और अपना 42 का प्लस देर लग जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आपसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लेवल गाइस, टाटा बाय बाय।